हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सालूस किचन में। आज हम कच्चे आम की गटागट बनाएंगे, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। इसका टेस्ट खट्टा मीठा होता है और इसे बनाना बहुत ही आसान होता है। तो हम गटागट बनाना शुरू करते हैं। आम की गटागट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे दो कच्चे आम लिए हैं। आम को हम सबसे पहले छील लेते हैं। यहाँ पे हमने आम को छील लिया है, आम को हमने साफ पानी से धो लिया है। अब इसके हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। इसे हम तरीके से आम के बीज को हमें निकाल देना है। अब इसे हम छोटे छोटे पीस में काट देते हैं। इसी तरीके से हम सारे आम को काट देते हैं। यहाँ पे हमने सारे आम को एकदम बारीक छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब यहाँ पे मैंने एक मिक्सर जार लिया है, आम को हम एकदम बारीक पीस लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे आम को हमने एकदम बारीक पीस लिया है। आम को पीसने में हमने इसी चम्मच से 3 चम्मच पानी का इस्तेमाल किया है। आप देख सकते हैं ये एकदम बारीक हो गया है। यहाँ पे गैस पे हमने एक पैन को गर्म होने के लिए रख दिया है। पैन हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसमें हम आम के पेस्ट को डाल देते हैं। इसे हम 3-4 मिनट तक चलाते हुए भून लेते हैं। आंच को हमें मीडियम रखना है। यहाँ पे हमने आम को 3-4 मिनट तक भून लिया है। आप देख सकते हैं ये अच्छे से भून गया है। अब इसमें हम 100 ग्राम चीनी डालेंगे और 50 ग्राम गुड़ डालेंगे। इसे हम मिक्स करते हैं। आप चाहे तो इसे सिर्फ चीनी या सिर्फ गुड़ से बना सकते हैं, लेकिन मैं इसमें चीनी और गुड़ दोनों का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसी तरीके से चलाते हुए गुड़ और चीनी को अच्छे से मेल्ट होने देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे गुड़ और चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुके हैं। अब इसमें हम नमक डालेंगे। यहाँ पे मैंने आधा छोटा चम्मच काला नमक लिया है। आधा छोटा चम्मच सफेद नमक और इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। तो मसालों में हमने यहाँ पे काली मिर्च पाउडर लिया है आधा चम्मच, आधा चम्मच भुना जीरा पाउडर, आधा चम्मच सौंफ पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच सौंठ पाउडर, इसे अदरक पाउडर भी कहते हैं, 1 चम्मच चाट मसाला लिया है हमने, 1/4 चम्मच हींग लिया है। सारे मसालों को भी हम डाल देते हैं। इसे हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। यहाँ पे मैंने सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसे हम धीमी आंच पे तब तक पकाएंगे जब तक इसका पानी अच्छे से जल जाए और ये एकदम गाढ़ा और थिक हो जाए। इसे हमें तब तक पकाना है। हम इसे मीडियम आंच पे ही पकाएंगे और हमें इसे चलाते हुए पकाना है।
यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एकदम गाढ़ा हो गया है और इसका पानी भी एकदम खत्म हो गया है। यहाँ पे हमने इसे 8 मिनट तक भूना है। अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं और इसे हम ठंडा होने देंगे। यहाँ पे हमने इसे एक प्लेट में निकाल दिया था, ये अच्छे से ठंडा हो गया है। यहाँ पे हमने पिसी हुई चीनी ली है। अब इसमें से हम थोड़ा थोड़ा लेंगे इस तरीके से। पहले हम हाथ में थोड़ी सी सूखी चीनी लगा लेते हैं। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा लेके हम इसकी गोली बना लेंगे। इस तरीके से इसे हम चीनी में अच्छे से कोट कर देते हैं। इसी तरीके से हम हाथ में थोड़ा सा चीनी लगा लेते हैं। और इसे हम चीनी में अच्छे से कोट कर देंगे। इस तरीके से हमने यहाँ पे सारे आम के गटागट को बना लिया है। आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से बन गए हैं। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। आप इसे एक बार बनाकर 6-7 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं, ये खराब नहीं होता है। तो इसी तरीके से आप भी चटपटे गटागट को बनाएं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।